हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेउज व्लॉग। आई एम रेउ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पे पीसीओएस रिलेटेड वीडियोस, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस और अपने टीटीसी अपडेट्स के ऊपर रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। तो आज हम जानने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जो कि इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है जो कई फीमेल्स में देखा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस, अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हैं तो आपको ये पता करना भी ज़रूरी है कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। जैसे कि हमारी बच्चेदानी होती है, इसकी जो इनर लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और एंडोमेट्रियम की जो परत होती है आपके महावारी के दौरान वो झट जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। हर साइकिल के दौरान, महावारी के दौरान, ये जो परत होती है, जो लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है। अगर आपकी वो लाइनिंग शेड नहीं हो रही है, वहाँ पे इकट्ठा हो रही है या आपके पार्ट्स के बाहर ग्रो कर रही है, तो हम उसे एंडोमेट्रियोसिस हैं। एंडोमेट्रियोसिस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के किन हिस्सों में देखा जाता है? आपके बच्चेदानी के इनर लाइनिंग में देखा जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल में देखा जाता है, इनर लाइनिंग में भी होता है, बाहर ग्रो होता है, आपके ओवरी के बाहर भी ग्रो होता है, आपके फैलोपियन ट्यूब के बाहर, आपके ब्लैडर के बाहर भी ग्रो होता है। ये कई सारे जगह है जहाँ पे आपका एंडोमेट्रियोसिस ग्रो होने की शिकायत देखी जाती है। और इन कैसे पहचाने आप कि आपको एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों के बारे में क्या लक्षण होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के? जैसे कि आपके पेनफुल पीरियड के दौरान आपको आपके लोअर एब्डोमिनल में बहुत सारा दर्द फील होना, भारीपन एटन फील होना, और जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ है वो आपके ब्लैडर के बाहर हो रही है, ब्लैडर के ऊपर हो रही है, तो आपको यूरिन पास करते वक्त रुकावट आना, ये या फिर आपके रिलेशन के दौरान आपको दर्द महसूस होना, ये कई सारे समस्याएं लक्षण हैं जो एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में देखे जाते हैं। और कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कई फीमेल्स ऐसे भी होती हैं जिन्हें ये कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती है। तब हम क्लिनिक में जाते हैं तो आपको डॉक्टर आपके क्लिनिकली टेस्ट करते हैं, आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको पूछा जाता है, तो सोनोग्राफी के ज़रिए आपको पता चल सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आप डॉक्टर के लिए कहते हैं, उनके ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन ही दे देते हैं, और अगर मेडिसिन से अगर आप एंडोमेट्रियोसिस आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है। ये सर्जरी 10 से 1 घंटा चलती है और 1 से 2 दिन में आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है। तो इनफर्टिलिटी का ये भी एक रीज़न है कि एंडोमेट्रियोसिस, और एंडोमेट्रियोसिस के चलते अगर आपके ओवरी में अगर ये ग्रो कर रहा है तो आपके ओवरी में ब्लड के सिस्ट तैयार हो सकते हैं, कई दिनों से पड़ा हुआ ब्लड जो कि डार्क ब्राउन कलर का बन जाता है, तो हम डॉक्टर उन्हें चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।